इन दिनों चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि हाल ही में चीन से खबर आई थी कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन चीन ने ऐसी खबरों से खुद को दरकिनार कर लिया है। चीन का कहना है कि ये परीक्षण एक मिसाइल नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान था। बावजूद इसके चीन के इस परीक्षण को लेकर पूरी दुनिया भर में एक बहस छिड़ गई है। इस परीक्षण से अमेरिका खुफिया तंत्र तक सकते में आ गया है, लेकिन यह सवाल उठता है कि आखिर चीन के इस परीक्षण से अमेरिका क्यों डरा हुआ है? आखिरकार क्या है यह हाइपरसोनिक मिसाइल और क्या भारत के पास ऐसा कोई हथियार है या नहीं? क्या है इसकी खासियत? सवाल ये भी है कि चीन का हाइपरसोनिक परीक्षण क्या हथियारों की नई रेस की शुरुआत है? क्या भारत भविष्य में ऐसे हथियार की योजना बना रहा है? आइए इन सारी बातों को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल को कहते हैं जो आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा या उससे भी कई ज़्यादा स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ती है, यानी आम भाषा में कहें तो ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज़्यादा स्पीड से चलने वाला हथियार। ये 1 घंटे में करीब 6,200 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी हाइपरसोनिक मिसाइल सक्षम है। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि बेहद कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और बहुत कम हाइट पर भी आम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से ज़्यादा गति से उड़ान भर सकती है। अपनी यात्रा के दौरान ये दिशा भी बदल सकती है, यानी आम मिसाइल की तरह ये तय रास्ते पर ही नहीं चलती है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है भले ही टारगेट भाग रहा हो, यानी ये पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। हाइपरसोनिक मिसाइल से परमाणु बम के साथ ही परंपरागत बम भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे क्या लॉन्च करना है ये लॉन्च करने वाले देश पर निर्भर करता है। यही चिंता का कारण है, क्योंकि मिसाइल का इस्तेमाल जिन परिस्थितियों में होगा उस वक्त देश बुरे से बुरे नतीजे वाले विकल्प को ही इस्तेमाल करेगा, जिससे नुकसान भी ज़्यादा होगा। आखिरकार चीन के इस परीक्षण से अमेरिका क्यों डरा हुआ है ये भी जान लेते हैं। 16 अक्टूबर को चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने की खबर मीडिया में सामने आई, हालांकि दावा किया गया कि ये टेस्ट फेल रहा। वहीं दूसरी ओर चीन ने इस तरह के टेस्ट से दरकिनार कर लिया। इसके बाद भी चीन की इस कोशिश से अमेरिकी खुफिया एजेंसियाँ हैरान हैं। अमेरिका ने पहले इस परीक्षण की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने मान लिया है। चीन का ये टेस्ट भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इससे चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक विकसित करने के करीब पहुंचने की पुष्टि हो गई है। इस टेस्ट को चीन ने पूरी तरह गोपनीय रखा है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता रखने वाला चीन इकलौता देश नहीं है। साल 2020 में अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण करने का ऐलान किया था। रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीकी भी मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है, उसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। उम्मीद है कि जल्द ही भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के काम को पूरा कर देगा और चीन और रूस के इस रेस में आगे निकल जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook पर वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।